आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, हम आज आपके सामने शबे बरात यानी 15वीं शाबान के मुताल्लिक जो मुस्तहब आमाल हैं, जो प्यारे पसंदीदा आमाल हैं, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सहाबा से और अकाबरीन उम्मत से साबित है, उस सिलसिले में कुछ बातें मुझे आपसे अर्ज करनी हैं। और हम लोगों ने उन पाकीज़ा आमाल से हटकर जो कुछ गैर ज़रूरी चीज़ें उन रातों में करनी शुरू कर दी हैं, उनसे आगाह करना है और अपनी नई नस्ल को उससे बचाना है। हदीस की मुख्तलिफ किताबों के अंदर, ख़ास तौर पर तिर्मिज़ी शरीफ जो सिहाह सित्ता की मोतबर किताब है, उसमें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है, तफसीली रवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रात में उठे, जन्नतुल बकी में गए, मुर्दों के लिए इसाले सवाब किया और फिर आप लौट कर आए। उसी हदीस के ज़िम्न में अगली बातें भी हैं जो दूसरी हदीस की मोतबर किताबों के अंदर मौजूद हैं, जिसके अल्फाज हैं, इज़ा कानत लैलतुन निस्फ मिन शाबान फ़क़ूमू लैलहा वसूमू नहारहा। जब शाबान के निस्फ की रात आए, यानी 14वीं तारीख गुजर कर 14 शाबान का दिन गुजर कर 15वीं रात आए, तो रात में इबादत करो और अगले दिन रोज़ा रखो। इस रात की फजीलत यह है कि खुदावंद कुद्दूस सातवें आसमान पर, जो आसमान ज़मीन से सबसे करीब है, उसमें उतर आता है, यानी उसकी तवज्जो इधर मबजूल हो जाती है और वो बंदों से पूछता है, मेरे बंदों, है कोई मगफरत चाहने वाला, मैं उसकी मगफरत कर दूँ, है कोई रोज़ी चाहने वाला, मैं उसको रोज़ी दे दूँ, है कोई बीमार, मैं उसको शिफा दे दूँ, है कोई परेशान हाल, मैं उसकी परेशानी को दूर करूँ। और ये ऐलान सुबह सादिक तक होता रहता है। बड़ी बाबरकत रात है, हमको इस रात में इबादत में, तिलावत में, कज़ाए उम्री में, सदक़ात व खैरात में, एक दूसरे की मदद में और अपने मुर्दों के लिए ईसाल सवाब में इस रात में अमल करना चाहिए। ये हुआ पसंदीदा अमल। और अगला दिन नफिल रोज़ा है, वह रोज़ा रखना चाहिए, बहुत बड़ा सवाब है उसका। ये दो चीज़ें हदीस से साबित हैं, बुजुर्गान दीन से साबित हैं, जो सरासर खैर है, रात की इबादत और दिन का रोज़ा। इससे हटकर नौजवानों ने उस रात में जो बाइक में निकलना और तीन तीन चार चार सीट जाना, बगैर लाइसेंस के छोटे बच्चों का गाड़ी चलाना, चौराहों पर शोर करना, इस चौराहे से उस चौराहे, उस चौराहे से उस चौराहे, नौजवानों, इससे दीन बदनाम हो रहा है, इस्लाम बदनाम हो रहा है, हमारे किसी अमल से इस्लाम के ऊपर बदनुमा दाग है, ये हमारे लिए इंतहाई अफसोसनाक बात है। मैं घर के ज़िम्मेदारों से कहूँगा कि अपने बच्चों को समझाएँ, आपको जब तक इबादत करनी है आप मस्जिद के अंदर इबादत करें, महलों में, चौराहों में उलमाए किराम के बयानात हों, इस्लाही बयानात हों, मालूमाती बयानात हों, ये सारी चीज़ें कार्य खैर है, सरासर खैर है, हम लोग इसकी तायीद करते हैं, हिमायत करते हैं। इससे हटकर जो हमारी गैर अखलाकी, गैर इंसानी हरकतें हैं नौजवानों और बुज़ुर्गों, इससे इस्लाम का चेहरा दागदार हो रहा है, इस्लाम की छवि ख़राब हो रही है, हमको इससे बचना चाहिए। बसा औक़ात मैंने ज़िम्मेदारान पुलिस आफ़िसर से कहते हुए सुना, हज़रत आप लोग अपने बच्चों को समझाइए, रातों में जो करते हैं उससे बसा औक़ात नफ्स अमन का ख़तरा पैदा हो जाता है, किसी की गाड़ी को धक्का दे देना, किसी के गाड़ी पर काट पर पत्थर मार देना, किसी गाड़ी पर दो चार लोग चढ़कर खड़े हो जाना, किसी की दुकान से कोई सामान लेकर खाकर पैसा न देना, नौजवानों, मेरे बच्चों, ये इस्लामी अमल नहीं है। हम ऐसा कोई अमल ना करें जिससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत दागदार हो, चेहरा उसका बदनुमा हो, इस्लाम का चेहरा बदनुमा हो, इससे हमको बचना चाहिए। आखिर में मैं फिर अपने तमाम भाइयों से, बहनों से, बच्चों से, बुज़ुर्गों से अपील करूंगा कि आइंदा आने वाली 1 मई 14 शाबान 15वीं रात को रात में इबादत और अगले दिन का रोज़ा और रोज़े के साथ सत्कार को खैरात, रात में तिलावत, नवाफिल, कज़ाए उम्री, कुरान पाक की तिलावत, दीनी हलक़े लगाना, उलमा के बयानात सुनना, नेकी में हिस्सा लेना, इन कामों में इस रात को गुजारने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सारे मुसलमान बहनों भाइयों को आने वाली रात की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको दीन का सच्चा पक्का खादिम और मुजाहिद कर जिंदा रहने की तौफीक अता फरमाए। सारे मुसलमानों को मेरे जानिब से आने वाली शब-ए-बरात की मुबारकबाद कबूल हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।